छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और ये बताया गया कि ये लोग पक्की नौकरी की मांग के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जो पुलिस को देखते ही ऐसा भड़के मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया हो। लोगों ने आव देखा न ताव, जो कुछ हाथ लगा उसी से पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने वहां मौजूद बसों पर लाठियां चलाई तो किसी ने आगजनी कर दी। जब पुलिस ने भीड़ को संभालने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले फैक्ट्री के अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। कुछ जवान वहां मौजूद एक कमरे में अपनी जान बचाने के लिए घुसे तो उन लोगों ने डंडों से उसकी खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। चाहे आज सीएम साहब को आना पड़े, चाहे पीएम साहब को आना पड़े, हम हटने वाले नहीं हैं। इस हंगामे की वजह से वहां और पुलिस बुलाने की नौबत आ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की धार से वार किया गया। इन लोगों ने अचानक पत्थरबाजी चालू कर दी और जिससे वहां पे स्थिति थोड़ी खराब हुई थी। जिले के कलेक्टर ने दावा किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।